शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वॉइस ऑफ एमपी न्यूज ने महिला पुलिस कर्मियों से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए याद रखने वाली बातें यहाँ की दुनिया की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जिस नई ताल की दरकार है वह बराबरी के रास्ते से ही आती है। लेकिन जहाँ प्रतिकार के स्वर बुलंद हुई देवी से दानवी करार दी जाती है, महिलाएं आप एक क्षण में ही केकी और मथुरा भी बन जाएगी। लेकिन खुद सोचिए क्या जरूरत है देवी बनने की, इंसान बनिए जैसे आपके पति पिता भाई और बेटे हैं। आज दुनिया सभी के लिए समान हो चुकी है। संस्कृति और सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही, इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रही हो। समाज के साथ साथ मैं अन्य लोगों को भी संदेश देना चाहूंगी, जैसे आज सभी जगह महिलाओं का सम्मान हो रहा है, तो जो सम्मान है ये एक दिन का नहीं होना चाहिए। 365 में सिर्फ एक दिन आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो मैं चाहूंगी एक दिन ना होके 365 दिन आप महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें बराबरी का अधिकार दें। ये सारी चीज़ें सिर्फ बोलने में ही अच्छी लगती है कि महिला हमारे बराबर हैं, पर जो ओरिजिनलिटी है उसमें महिलाओं को थोड़ा सा बराबरी का दर्जा अभी भी नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी सभी नारी शक्ति को नमन है और उन्हें मैं सम्मान करती हूँ, जो वर्किंग वुमन्स है, जो घरेलू महिला है, जो घर में महिला जो साथ देती है परिवार का, बच्चियाँ जो आज संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो 9th क्लास की हो 10th क्लास की हों, किसी भी तरीके समाज में केवल संघर्ष कर रही हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि केवल एक दिन हम महिलाओं का सम्मान न करते हुए पूरी उम्र जो महिला आपको देती है, अपना समय देती है, उनका सम्मान हमेशा बना रहे। महिला दिवस, मदर्स डे और इन दिनों के अपन स्टेटस वगैरह लगा के जो सम्मान देते हैं, वो सम्मान हमें हमेशा देना चाहिए। शाहजहांपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।